नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे पहली वीडियो डाल रहे हैं जो कि एक बहुत ही शानदार गेम के साथ होगी। वो है आर प्रगनंदा और टोपोलो वेसेलिन के मैच के बीच की, जिसके अंदर वाइट मोरो के साथ में हमारे जूनियर प्रगनंदा और प्रगनंदा खेल रहे थे और ब्लैक मोरो के साथ में खेल रहे हैं वेसेलिन टोपोलो। और ये जिब्राल्टर्स का मास्टर्स का टूर्नामेंट है 2020, जिसके अंदर प्रगनंदा की रेटिंग है 2602 और वेसेलिन टोपोलो की जो रेटिंग है फिडे रेटिंग वो है 2738 की। चलिए मैच शुरू करते हैं। मैच स्टार्ट हुआ था फ्रेंच डिफेंस में, जिसमें वाइट मोहरों से खेल रहे थे प्रगनंदा। e4 e6 d4 d5 बहुत ही कॉमन है। इसके बाद Nf3 खेला, Nc3 खेला गया, Nf6 है, de5 e5, Nfd7 f4 सपोर्ट के लिए e5 पॉन को, और इसके बाद में c5 से ब्रेक दिया गया। Nf3 bishop e7, यहाँ पे Nc6 बहुत कॉमन है। Ne3 प्रगनंदा की साइड से b6, Qd2, Nc6, bishop e2, 00 एंड 00, यहाँ तक सब सही था। और इस जगह पे लॉन्ग कैसल भी कर सकता था वाइट साइड, बट उन्होंने शॉर्ट कैसल को प्राथमिकता दी। We'll be right back.
पे आगे H6 पे आगे चेकमेट का थ्रेट हो रहा है, क्योंकि H5 वाले पॉन्ट पे नाइट हटाना फोर्स हो जाएगा, और जैसे ही नाइट हटाएंगे H6 पे आते ही G7 वाले पॉन्ट पे बहुत अच्छा वाला थ्रेट होगा चेकमेट का। H5 कंपलसरी था H4 के बाद। रूक F1 ये भी बहुत अच्छा मूव, क्योंकि अगले रूक पे इससे कैप्चर किया जाएगा ग्रीन से, और फिर F7 वाले पॉन्ट पे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस थ्रेट होंगे। F4 एक बार के लिए उन्होंने बचा लिया, और इसके बाद देखने को आया G4। जी हाँ, बहुत लाजवाब हूँ इसी में पिलर सपोर्ट अगर वो कैप्चर करते हैं M% के द्वारा तो चेक लगेगा ये, और यहाँ पे गेम ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। लेट्स सपोज कि वो कैप्चर ना करें और G4 पे H वाली फाइल के साथ कैप्चर करा जाए तो भी वो सेम चीज़ ही होगी। H5 आएगा, नाइट पे थ्रेट है, नाइट बचाने के लिए कोई स्क्वायर नहीं है। अगर लेट सपोज वो E5 पे आते हैं तो H6 पे आके G7 स्क्वायर पे चेकमेट के थ्रेट होंगे, फिर से वही बात होगी। तो इस जगह पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था ये दोनों को छोड़ के और खेलना, और उन्होंने किया कि रूक D3 पे खेला गया, बट GXH5 नाइट पे फिर से थ्रेट रूक के से एक बार G3 पे चेक दिया गया, जो कि बहुत ही आसानी से F2 पे बच भी गया। उसके बाद में नाइट पे फिर से थ्रेट था, और बचाने के लिए कोई अच्छा स्क्वायर नहीं था, इसलिए उन्होंने कैप्चर किया नाइट XH4, क्वीन XH4, F4 वाली पॉन पे थ्रेट था, उसको सपोर्ट करने के लिए रूक XC4 उस पर एक बार बचा भी लिया रूक E1, और यहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट विनिंग था, और ये बहुत ही बेहतरीन गेम था दोस्तों। सच मानिए इस गेम को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि प्रगानंदा आने वाले टाइम पे एक सुपर ग्रैंड मास्टर से कम नहीं होंगे, और इंडिया की तरफ से सही में प्रोडिजी है, चाइल्ड प्रोडिजी जिसे बोल सकते हैं, जस्ट प्रोडिजी। जी हाँ, नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक बहुत ही हेल्प करेंगे हमें आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाने के लिए। लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।